कोरोना संक्रमण के बाद अब ब्लैक फंगस जैसी गंभीर बीमारी ने दस्तक दे दी है और लगातार ब्लैक फंगस के मरीज सामने आ रहे हैं। ब्लैक फंगस बीमारी में लगने वाली दवाइयां काफ़ी महंगी है और उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिसके चलते ब्लैक फंगस की दवाई की कालाबाजारी की संभावना बनी हुई है। इसको लेकर पुलिस सतर्क नजर आ रही है। गौरतलब हो कि जिन व्यक्तियों को कोरोना संक्रमण हुआ है उन्हें बीमारी के दौरान जो स्टेरॉइड दी गई थी उसी के चलते अब इन बीमारियों में ब्लैक फंगल बीमारी के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। ये बीमारी आंखों को साइनस से प्रभाव डालती है। वर्तमान स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए ब्लैक फंगस को दवाइयां मार्केट में कमी देखी जा रही है। इसी के चलते कुछ कालाबाजारी इस ब्लैक फंगस बीमारी के इंजेक्शन ब्लैक में करने की फिराक में है। पुलिस का कहना है कि हम लगातार सोशल मीडिया पर निगाह रखे हुए हैं, यदि इस तरीके से कोई भी व्यक्ति पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। पहले भी पुलिस ने नकली इंजेक्शन कारोबारियों को सलाहों के पीछे भेज चुके हैं। अब ब्लैक फंगस बीमारी के इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों पर निगाह है। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चे के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। जिस प्रकार कोरोना में बहुत ज़्यादा रेमडेसिविर और फेविफ्लू टेबलेट की और इंजेक्शन की बहुत ज़्यादा टोसिन की बहुत शॉर्टेज थी, अभी जो फंगस इन्फेक्शन को लेकर जो चीज़ चल रही है उसमें जो इंजेक्शन हैं वो काफ़ी महंगे हैं और उसकी शॉर्टेज है। उसको लेकर भी वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश पर हमने जिस प्रकार पहले सोशल मीडिया पर और इस पे जो समाज सेवा के नाम पर ये ऐसे ग्रुप बनाकर लोग ब्लैकमेलर तक या कालाबाजारी करने वालों तक उनको पहुँचवा देते थे, उस पर निगाह रख रहे हैं। अगर कोई इस पर ऐसा पाया जाता तो उसके खिलाफ़ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अभी जो कालाबाजारी करने वाले लोग जितने भी हुए हैं 12 लोग पकड़े थे, अभी हमने 11-12 उनके सबके खिलाफ रासुका की गई है और साथ ही नगर निगम को पत्र भी लेख किया गया जिसमें उनके जो मकान वगैरह बने हैं, अवैध संपत्ति है, इन सब की जानकारी भी लेकर कार्रवाई की जा रही है। सर, इस तरीके की शिकायत आ रही है आपके किस प्रकार की शिकायत? इंजेक्शन को लेकर शॉर्टेज की शिकायत है तो अभी ये उसी स्टेज पे प्रारंभिक स्टेज पे अभी शॉर्टेज है। शॉर्टेज के बाद फिर धीरे से कोई सामने आता है कि हमारे पास है ऐसा करके, तो अभी जो ऑथेंटिक है जो देने वाले उनसे भी हम निगाह में हैं कि भाई जो ऑथेंटिक देने वालों के पास स्टॉक है वो बराबर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, और कोई अगर गैरकानूनी रूप से ग्रुप पर ये बताता है कि हाँ मेरे पास है और मैं दे रहा हूँ तो उस पर भी निगाह। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।